मैं क्वाड्रिलियन पब्लिकेशन से बोला था। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था उमेश के लिए, मैं दूसरा वीडियो एडवांस बनाता हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जनरली बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आती है यंगस्टर की कि ना लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए मैं ऑफिस से रिवाइज करके और अच्छे से बनाया हूँ, आप ध्यान से देखें। अभी आपके हाथ में, अभी आपकी शादी वगैरह होनी कब होगी ये मालूम करने का है, तो आप मुझे info00999@yahoo.com पे, आपका बॉय होगा तो राइट हैंड का और गर्ल होगा तो लेफ्ट हैंड का, ये साइड का पोर्शन आप मेरे को भेज दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज दीजिए। ये पेड सर्विस हैगी, इसका चार्ज लगता है, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा बस भेजते समय। और तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, तो हम शादी के या एस्ट्रोलॉजी के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे, तो आप भी उससे सीख सकते हैं, आपका भविष्य अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं लव मैरिज के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले भी बताया था, इसको और अच्छा इन्हेंस कर रहा हूँ। भाई आप देखेंगे जब भी आप किसी को भी लव मैरिज देखने का कि आप लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो सिंपल, सबसे सिंपल एक ही तरीका है कि अपने दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों को ऐसे मिला देने का, यहाँ से जहाँ से टच होता है उस पॉइंट से आप मिला दीजिए। जब आप उसको मिलाएंगे तो ये देखिए इसमें एक आधा चांद बनता है, स्केच कर देता, आधा चांद बनता है, तो ये देखिए ये आधा चांद बनता है, देखा आपको, ये आधा चांद बनता है। अभी सपोज को ये पूरा आधा चांद बनता है तो इसमें आपके 99%, कभी इतना बड़ा चांद बनता है तो आपके 99% चांस या 98% चांस होते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज हो जाए। 2% हमेशा भगवान के लिए छोड़ देने का, कभी हो नहीं हो, 98% चांस होते हैं कि आपके लव मैरिज होंगे। नहीं, मैंने कस्टमर से उनको देखा भी है, यहाँ तक भी हुआ उनका चांद तो लव मैरिज हुई है, बहुत सारे कस्टमर्स का देखा हुआ कि यहाँ पर ये हुआ तो लव मैरिज के चांस होते हैं। तब ये इसमें आप पूरा चांद बन रहा है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एक रीज़न, एक उसका एक रीज़न क्या है कि जिनके भी ऐसे हार्ट लेन बहुत बड़ी होती है तो ये अधिकतर क्या होता है, दिल से सोचते, दिमाग से नहीं सोचते, ठीक है, दिल से सोचते, दिल से सोचने वाले ही लव मैरिज हो सकते हैं। कोई नहीं सोचते कि यार कल क्या होगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी, खाने पीने के कुछ भी पंगे होंगे कि नहीं, वो इतना नहीं सोचते, बस शादी करने का इसलिए करते, तो ये उनकी इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए वही इमोशन दिल से सोचने वाले फिर शादी करते हैं। दूसरा एक और फायदा होता है, ये जैसे सपोज को चांद बन रहा है, ये चांद बन रहा है तो ये दिखाता है कि यार सामने वाले ने उसको, जिसका चांद बन रहा है उसको सामने वाला जो भी आदमी मिलेगा वो खूबसूरत मिलेगा। अभी कॉमन सेंस भी है, ऐसे आप देखना चाहेंगे कि यार खूबसूरत होगा, स्मार्ट, खूबसूरत बोले तो स्मार्ट, 10 लोगों में अच्छा दिखने वाला, ठीक है, ऐसे खूबसूरत में हर एक की खूबसूरत, खूबसूरती अलग अलग होती है, तो मेरे लिए अलग अलग देगी, आपके लिए अलग होगी, तो सबके लिए अलग अलग होती है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि यार मैं बोलूँगा ये खूबसूरत है, सामने अलग बोले यार तो बहुत बेकार है, हर एक की खूबसूरती अलग अलग होती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वगैरह अच्छी होगी, 10 या 50 100 लोगों के बीच में अलग होगा, ठीक है, तो उसको हमेशा अच्छा पति मिलेगा। इसका एक बेसिक रीजन प्रैक्टिकल देखेंगे, ज्योतिष और प्रैक्टिकल सब सेम है, जिसका जो अच्छा दिखने वाला होगा उसी से तो प्यार होगा, कोई खराब दिखने वाले से तो प्यार होता नहीं, नहीं, ज्योतिष और प्रैक्टिकल लाइफ भी आप मैच करेंगे तो सेम रहता है, तो जिसका अच्छा दिखेगा वो खुद तभी तो लव होगा, नहीं तो लव का होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ और ज्योतिष करीब करीब मैच करते रहेंगे, तो आप देखेंगे तो ये अच्छा भी होता है, उसका हस्बैंड अच्छा दिखने वाला भी होता है। अभी सब उसका लव मैरिज भी नहीं हुआ तो भी अच्छा मिलता है, तो उसको कल को लव मैरिज नहीं हुआ तो भी आधा चांद मिल रहा तो भी अच्छा दिखता है, प्लस पॉइंट में आप देखेंगे तो उसको खूबसूरत मिलता है, और ये खुद खुद भी खूबसूरत होते हैं। अभी सामने वाला भी उससे लव करना चाहिए तभी, नहीं ये भी अच्छी दिखनी चाहिए तभी वो लव करेगा या चाहेगा तभी लव मैरिज करेगा ना, तो ये अपने आप ये भी खूबसूरती होती है, जो बॉय या गर्ल होगा वो खुद भी थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा अलग दिखने में, चार्मिंग, तो ये भी खुद खुद भी खूबसूरत होती है या खूबसूरत होता है, दोनों में से जो भी होगा। भैया देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको टच करने का, अभी शादी होगी कि नहीं, अभी दो तीन चीज़ें हो दे, अभी इसमें बस ये चांद मिल गया तो शादी होगी क्या, ऐसा नहीं है। अभी सब उसको, कोई बॉय या गर्ल है उसके इसमें चांद बन रहा,
लेकिन सामने वाला जो जिससे शादी करने की इस केस में चाहती नहीं है, ठीक है, तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सामने वाला भी इमोशनली सोचना चाहिए ना कि नहीं यार फैमिली हो गया कि परवाह नहीं करके, धर्म जाति की कोई परवाह नहीं करके विवाह करने का, तो उसको भी वैसा होना चाहिए। तो सामने वाले के इसमें भी चांद होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि वो बन अभी सपोज को अपना लव हो रहा है, जब भी लव चल रहा है एक रिलेशनशिप में, तो 1-2 साल से है, 3 साल से है, उस टाइम पे अपनी शादी के योग भी होने चाहिए और सामने वाले की शादी के भी योग होने चाहिए। अपनी शादी के तो योग है, आपकी शादी के योग देखने के लिए हमारे दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कब आते योग, तो वो आप देखिए दूसरे उसमें, तो उसमें अपने अपने खुद की शादी के भी योग होने चाहिए, उसके भी शादी के योग होने चाहिए। अपनी शादी के योग उस टाइम पे 20-22 साल में, लेकिन उसका 27-28 साल के इसमें शादी के योग है, लव मैरिज होगी नहीं, रिलेशनशिप चलती रहेगी, अपने टाइम निकल जाएगा उसका। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो एंगेज रहते हैं रिलेशनशिप में 5-5, 6-6 साल तक, और शादी नहीं होती, क्योंकि गर्ल का या बॉय का तो टाइम निकल जाता है और सामने वाले का टाइम आ जाता है, तब तक शादी नहीं होती, फिर इसकी शादी के योग चले जाते, उसके आ जाते, उसके आ जाते, उसके नहीं आ जाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। लोग 5-5, 10-10 साल भी रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन शादी के योग ही नहीं रहते हैं, दोनों के होने चाहिए, ठीक है। अभी इस टाइम से देखिए, अभी आप ये देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हार्ड लाइन। अभी सोच को ये लाइन भी बहुत बड़ी है और ये वाली लाइन भी बहुत बड़ी है, ये मस्तिष्क के लिए माइंड लाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, नहीं इंक्रीज होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकती है। अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ तक भी जा सकती है, ऐसे नीचे, ठीक है, इस टाइप से आप नीचे भी जाएगी, अब देखिए इसको नीचे तक गई, तो वो ज़्यादा दिमाग से भी सोचेगा, हार्ट से भी सोचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला शादी नहीं करेगा, ठीक है, उसमें भी चांस अपने कम हो जाते कि यार बहुत ज़्यादा दिमाग की लाइन है, दिमाग से सोचने वाला बोलेगा नहीं यार, कैलकुलेट करेगा कि यार इसमें फ़ायदा है नहीं है, इसमें लॉस तो नहीं होगा, है ना, कैलकुलेशन लगाएगा, उसकी तो उसकी नौकरी ऐसी है, उसका घर ऐसा है, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी XYZ होगा उसका, लड़की सोचेगी कि नहीं यार उसके नौकरी तो है नहीं, उसका घर नहीं, कार नहीं, तो वो अपना दिमाग लगाने पड़ेंगे, जब भी दिमाग लगाएगा इमोशन खत्म हो जाएगा, तो फिर शादी के चांस नहीं देंगे। अब ये सामने वाले को हमेशा इमोशनल जरूर होना पड़ता है इस चीज के लिए। तो अभी आप देखेंगे तो अभी ऐसे एक और चीज होगी, ये लाइन देखिए आपको, अभी सब उसको अपने हाथ में लाइन है, जब अपना लव फेस्ट हो रहा है तो अपनी लाइन है, छोटी सी लाइन है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, छोटी सी लाइन दिखती है आपको, अभी इतनी सी लाइन होगी यानी इतना साफ फेयर होगा तो शादी के चांस कैंसिल, ठीक है, लाइन बहुत ही बारीक है, देखिए ये इतनी बारीक लाइन है, तो अभी अपने को भी इसमें इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी में इसमें ऐसा इमोशन ज़्यादा नहीं है, तो फिर इससे बारीक लाइन, ऐसी ऐसी बारीक लाइन होगी, ये देखिए ऐसी बारीक लाइन होगी, तो अभी शादी के चांसेस नहीं होंगे। अभी कोई लाइन नहीं है, देखिए ये लाइन कट हो गई, इसे कट हो गई, एग्जाम्पल लीजिए, ये दिख रही है यहाँ पर कट हो गई, अभी ये देखिए ये लाइन कट हो गई है, यहाँ पर ये फिर कट हो गई, फिर यहाँ पर ये फिर कट हो गई, ऐसे कट हो गई, इसी लाइन कट कट होने वाली भी रहती है, तो अभी शादी के चांसेस बहुत कम या नहीं रहेंगे। ऐसी डार्क लाइन रहती तो चांसेस ज़्यादा होते, कभी कभी ये भी होता है कि यार इतना चांस होने के बाद, इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी शादी नहीं होती, इतनी लंबी यहाँ से स्टार्ट होगा पीछे से यहाँ तक भी, मैं कुछ कस्टमर से उनकी शादी लव मैरिज हो, यानी 6-10 साल तक रिलेशनशिप चले लेकिन शादी किसी कारण से नहीं हो पाई, तो उनके भी रिले शादी नहीं हो पाई, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो आप ये देखिए फिर, तो ये आप खुद देख सकते हैं कि है ना आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, धन्यवाद।